कहाँ से आ जाता है इतना ज़्यादा टाइम, या फिर इतना ज़्यादा कबाड़ क्यों इकट्ठा करके रखते हो? कैसे बनते हैं ये, कैसे टाइम मिलता है आप लोगों को? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं जो हमारे चारों तरफ रहते हैं, कि इसने देखो इतना सारा गंद अपने घर में इकट्ठा करके रखा हुआ है, या फिर इतना ज़्यादा खाली टाइम कहाँ से मिलता है इसको, मुझे तो नहीं मिलता। तो ये सारी बातें आर्ट चैनल वालों के कानों में पड़ती रहती हैं, बट उनको क्या पता कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए कितनी डिफ़िकल्ट होती है, इतने सारे कबाड़ को मैनेज करना, और साथ के साथ कोई नई नया नया आइडिया सोचना, और साथ की और सबसे बड़ी बात कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे टाइम निकालना है। जैसे अभी बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, और दूसरा मेरा फ़ोन भी ख़राब था। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। तो चलिए आज भी मैंने कबाड़ को ही यूज़ करके जो है वो बनाया है कुछ, तो आपके साथ शेयर करूँगी, आशा है आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं शादी के पुराने कार्ड्स को यूज़ करते हुए, जो कि एक कबाड़ जैसे ही हैं हम सबके लिए, एक बार शादी होने के बाद ये रखे ही रहते हैं, इनको कोई देखता तक नहीं है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि रद्दी में बुक्स के साथ जो है वो इनको बेच देते हैं, तो मैं यहाँ पे इनको यूज़ करके जो है वो बना दूँगी, कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी ही, देखते हैं आज क्या बनता है। तो ये मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, और ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, तो इसको मैंने स्ट्रेट करने के लिए और हार्ड करने के लिए एक और उसी के साइज़ का कार्डबोर्ड लगा दिया, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी अच्छे से। इसको पेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक के ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाने में, और वो भी फेविकोल से, थोड़ा सा टाइम टेकन था। अब मैंने ये पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं, ताकि इन स्ट्रिप्स को मैं इसके किनारों पर लगा दूँ, और इसके किनारे जो हैं वो हमारी रफ़ से ना लगे। अब मुझे इसको फोटो फ्रेम की तरह बनाना है, तो फोटो फ्रेम के जो चारों तरफ हमारी जो वो होती है, उस तरीके से मैंने ये बना दिए हैं चारों किनारों पे, और फिर इसको पेंट कर दिया है। अब मैं ये कुछ पैटर्न यहाँ पे लगा के देख रही हूँ, उस कार्ड की मैंने अच्छे से कटिंग कर दिया, पूरा उसको काट पीट दिया था। काट पीटने के बाद अब ये मैंने उसके दो तीन पार्ट जो हैं वो अलग अलग कर दिए हैं, एक पार्ट को मैंने यहाँ पर लगा दिया और दूसरे को मैंने यहाँ पर लगा दिया, और मैंने कलर उसी पोर्शन में किया है जो पोर्शन विजिबल होना था, बाकी पोर्शन में नहीं किया। इन दोनों के नीचे मैंने कलर नहीं किया था, क्योंकि वेस्ट हो जाता कलर। अब ये जो बाकी पोर्शन मैंने कार्ड से कट किए थे, फ्लावर वगैरह जो भी हैं, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और फिर मैंने एक और शादी का कार्ड लिया, इसमें से भी कुछ कटिंग की, और कटिंग करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, तो ये मैंने यहाँ पे लगाने के लिए सोचा कि ठीक रहेगा। फिर मैंने इसको यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से या फेविकोल की हेल्प से आप जो है वो उसको लगा सकते हैं। दोबारा से मैंने इसको रखा और मेज़रमेंट ली कि ठीक भी है कि नहीं, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ, बार बार लगा के देख रही हूँ। और मैंने जो इन दोनों फ़ोटोज़ के नीचे जो खाली स्पेस था, वहाँ पे भी उस शादी के कार्ड को कट करके वो एक पोर्शन उसका लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो है वो ब्लैक पेन से जो है वो यहाँ पे पधारो सा लिख दिया था वेलकमिंग मोड का, क्योंकि मुझे इसको बनाना था, और उसको मैंने फिर पेंट भी कर लिया था ब्लैक कलर से। अब यहाँ पे मुझे इसको टांगने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो ये एक स्प्रिंग रखी हुई थी मेरे पास, और मैंने इसको इसके बीच में लगा दिया, और ये मेरी पेंटिंग का फाइनल लुक। दूसरा DIY भी शादी के कार्ड से हम लोग बनाएंगे। शादी का ये कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट भी है, और काफ़ी थिक लग रहा था मुझे देखने में, तो मैंने इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बना लिया। इसके जो अंदर है ये काफ़ी सारी इसमें एनवलप से दिए हुए हैं, और इसको मैंने जो है खाली ना रही, तो इसके अंदर मैंने कार्डबोर्ड्स जो हैं वो लगा दिए हैं, क्योंकि वो मैं इसके अंदर से निकाल नहीं रही हूँ, इसका जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर ही रहेगा, और इसके अलावा मैंने इसमें कार्डबोर्ड जो है वो फिक्स कर दिया है, ताकि ये एक हार्ड सरफेस की तरह बन जाए। अब इसके ऊपर मैं एक वाइट शीट जो है वो चिपका दूँगी, क्योंकि ये जो पेंट किया हुआ है या फिर जो भी डिज़ाइनिंग जो मैंने जो इसके ऊपर की हुई है वो जो है दिखाई ना दे, क्योंकि पेंट के बाद भी ये डिज़ाइनिंग जो है वो अनइक्वल सी लगेगी हमारी। मैं इसके ऊपर कुछ पेंटिंग करूंगी, आज फर्स्ट टाइम मैं पेंटिंग करने वाली हूँ कुछ,
तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और ये मेरी कैनवास शीट जो है वो बन के तैयार हो गई है, और मैंने इस पे वाइट पेंट जो है वो लगा दिया है, वाइट पेंट अच्छे से कर दिया, और फिर पेंसिल से मैंने ड्रॉ की पहले पेंटिंग को, देन उसके ऊपर एक ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे एक स्केच की हेल्प से ये ख़राब स्केच था तो स्केच को मैंने इसमें डिप कर करके कलर के अंदर, और ये पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। थोड़ा थोड़ा कहीं से ऊपर नीचे मोटा पतला हो रहा था बार बार, बट मैंने उसको ठीक कर लिया, और ये मेरी पेंटिंग का फाइनल लुक था। ये ड्राई भी हो गया लगभग, और ये फिर मैंने पेपर स्टिक्स ली, कुछ स्टिक्स बनाई थी, और इनको मैंने चारों तरफ इसके एज अ फ्रेम जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया है फेविकोल की हेल्प से। देन हमें इनको पेंट करना है, पेंट कर लेंगे हम, वही ब्राउन कलर से पेंट करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, तो ब्राउन कलर ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। पहला DIY मेरा वेलकमिंग मोड में है, जिसमें मैंने राजस्थानी में लिख दिया पधारो सा। राजस्थान में ही पधारो सा का मतलब होता है कि आप अपने अतिथि का सत्कार कर रहे हैं। और दूसरा DIY मेरे जो है वो कामनेस को शो करता है। तो गाइज़ कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों DIYs आपको कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।